बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। एमशान फूड क्लब में आज मैं बनाऊंगी शाही कोफ्ते। तो उसके जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर एंड 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। भुने हुए चने थे मेरे पास, उनको मैंने पीस लिया है। 3 से 4 चम्मच ये मेरे पास भुने हुए चने का पाउडर है। 3 टेबलस्पून दरर मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है एंड 1 टेबलस्पून नमक है, ये अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर सकते हैं। 1 केजी मेरे पास कीमा है, बारीक कीमा लेना है अपने, क्योंकि कोफ्ते बनाने हैं तो उनके बॉल्स बनने होते हैं, इसलिए बारीक कीमा चाहिए। और 2 अंडों की सफेदी है, जर्दी मैंने सेपरेट कर ली है, हमें सिर्फ सफेदी चाहिए। तो अब इन चीज़ों को कीमे में मिक्स कर लेते हैं और कोफ्ते बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बाद में बताऊँगी। कोफ्ते बनाने के लिए सब चीज़ों को मिक्स करना है, कीमा ऐड कर देते हैं। कीमा मैंने धो के खुश कर लिया था। लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, दरर मिर्चें ऐड कर देंगे, सुर्ख मिर्च पाउडर, भुने हुए चनों का पाउडर, नमक और ये मसाले, जीरा पाउडर, खुश धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही अंडे की सफेदी भी ऐड कर देंगे। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए, आप इसे हाथ से मिक्स करिएगा, हाथ से बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब इसे कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है। अब इस तरह बाकी मिक्सर के भी बॉल्स बना लेते हैं। इस तरह दबा दबा के इनको बनाना है ताकि इनकी शेप भी ठीक हो जाए और फिर ये जब हम इन्हें ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिखरेंगे भी नहीं। इस तरह कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, अब इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उतनी देर में हम साथ ग्रेवी बना लेते हैं। अब हमें शाही कोफ्ते की ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। 3 छोटी प्याज काट ली हैं, 6 टमाटर हैं मेरे पास, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 1/2 टेबलस्पून नमक है। तो सबसे पहले प्याजों को फ्राई कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड कर देते हैं। इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। लाइट ब्राउन का हमने कलर निकालना है। जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं साथ ही हम कोफ्ते भी फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें कोफ्ते ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। जस्ट लाइट सा इनको फ्राई करना है ताकि जब हम इसे इन्हें ग्रेवी में ऐड करें तो ये बिखरे ना, थोड़े सख्त हो जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें टमाटर और दही के साथ ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर ऐड कर लेते हैं। प्याज ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी दही ऐड कर देंगे। अब इनका पेस्ट बना लेते हैं। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। जस्ट इनको लाइट ब्राउन करना है।
हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लेते हैं। पेस्ट हमारा बन चुके हैं। ग्रेवी बनाने के लिए पहले लहसुन को थोड़ा सा भून लेते हैं। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें अदरक डाल देंगे। लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें अदरक ऐड कर देते हैं। और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। आंच पे इसको हल्की कर देते हैं। जिस ऑयल में कोफ्ते फ्राई किए थे वो मेरा बच गया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें सूख मिर्च ऐड कर देंगे, हल्दी और नमक, थोड़ा सा मसाला भून लेते हैं। मसाला मेरा थोड़ा सा भून चुका है, अब इसमें जो पेस्ट बनाया था प्याजों का, टमाटर का और दही का, वो ऐड कर देते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है। जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनेगी और उतनी ही टेस्टी होगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। अब बस इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। साथ ही 3 से 4 चम्मच दही भी ऐड कर देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। अब बस इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भून चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मजे की भी बनती है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर अब तक आपने मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं कि कौन सी ट्राई की है, कैसी बनी है, आपके घर वालों को कैसी लगी है। कोफ्ते ऐड कर दिए, अब इनको मसाले में थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं ताकि मसाला इनमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देते हैं, साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। चलो अब इसको दम पे रख देते हैं। व्यूअर्स हमारे शाही कोफ्ते रेडी हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। व्यूअर्स हमारे शाही कोफ्ते सर्विंग के लिए रेडी हैं, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े के हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसे ट्राई भी करेंगे। अगर ट्राई करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे दुआ में याद रखिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।